कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का जीवन परिचय। जन्म 3 अप्रैल 1903 मंगलोर कर्नाटक। मृत्यु 29 अक्टूबर 1988। कार्य क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक। भूमिका कमला देवी चट्टोपाध्याय एक समाज सुधारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारी आंदोलन की पथ प्रदर्शक तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नव जागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता कला और साहित्य की समर्थक भी थी। गांधी जी की तन्हाई और महात्मा गांधी के आह्वान के चलते वह राष्ट्र सेवा से जुड़ गई थी। प्रारंभिक जीवन कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को मंगलोर कर्नाटक के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी पुत्री थी। इनके पिता अनंथाया धारेश्वर मंगलोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। इनकी माँ गिरिजाबाई अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी और निर्भीक महिला थी जो कर्नाटक के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनकी दादी स्वयं प्राचीन भारतीय दर्शन की बहुत अच्छी जानकार थी। इस प्रकार के वातावरण में परवरिश होने के परिणाम स्वरूप ये स्वयं भी तर्कशील और स्वावलंबी थी जो उनके जीवन में आगे चलकर काम आया। इन्होंने पहले मंगलोर तथा बाद में दूसरी शादी के बाद लंदन यूनिवर्सिटी के बेडफोर्ड कॉलेज से समाजशास्त्र में डिप्लोमा प्राप्त किया। इन्होंने प्राचीन भारतीय पारंपरिक संस्कृत ड्रामा कुट्टियाट्टम केरल का गहन अध्ययन भी किया था। पारिवारिक जीवन जब इनकी उम्र 7 वर्ष की थी तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ये बाल विवाह का शिकार हुई और इनकी पहली शादी अत्यंत छोटी उम्र यानी 12 वर्षीय अवस्था में कृष्णा राव के साथ वर्ष 1917 में हुई। परंतु दुर्भाग्यवश 2 वर्षों के अंदर ही कृष्णा राव की वर्ष 1919 में मृत्यु हो गई तथा अपनी स्कूल शिक्षा के दौरान ही ये विधवा हो गई। बाद में अपनी पसंद से वर्ष 1919 में ही सरोजनी नायडू के छोटे भाई हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ पुनः विवाह के बंधन में बंध गई। हालांकि जात पात में विश्वास रखने वाले उनके रिश्तेदारों ने इसका घोर विरोध किया। शादी के कुछ दिनों बाद कमला देवी हरेंद्रनाथ के साथ लंदन चली गईं। हरेंद्रनाथ जी भी कला संगीत कविता और साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे लेकिन दोनों की विचारधाराओं में मेल नहीं होने के कारण यह संबंध अधिक समय तक नहीं चला और इसकी परिणति तलाक के रूप में हुई। इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रामकृष्ण चट्टोपाध्याय था। कार्य क्षेत्र देश के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को एकीकृत करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय को महात्मा गांधी बहुत मानते थे और इस निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी को उन दिनों गांधी जी ने सुप्रीम रोमांटिक हीरोइन का खिताब दिया था। कमला देवी ब्राह्मण होते हुए भी समाजवादी थी। बालिका वधु होते हुए भी ये स्त्री अधिकारवादी थी। ये एक ऐसी राजनेता थी जिन्हें कुर्सी की दरकार नहीं थी। राष्ट्रभक्ति का जज्बा ऐसा था कि आज़ादी के बाद इन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देश के विभाजन के बाद उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास में अपने आप को लगा दिया। वो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी जी से
बहुत प्रभावित थीं। जब ये लंदन में थी तभी से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वर्ष 1923 में जुड़ गई और भारत लौट आई। यहाँ आकर ये सेवा दल तथा गांधीवादी संगठनों में अपना योगदान देने लगी। महिला आंदोलन में योगदान। प्राकृतिक की दीवानी कमला देवी ने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। यह बहुत दिलेर थी और पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने 1920 के दशक में खुले राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस जुटाया था। वह भी ऐसे समय में जब बहुसंख्यक भारतीय महिलाओं को आज़ादी शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था। ये गांधी जी के नमक आंदोलन वर्ष 1930 और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से एक थी। नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली वह पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह 4 बार जेल गईं और 5 साल तक सलाखों के पीछे रहीं। हस्तशिल्प तथा हथकरघा कला को विकसित करने में योगदान। इन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरी समृद्ध हस्तशिल्प तथा हथकरघा कलाओं की खोज की दिशा में अद्भुत एवं सराहनीय कार्य किया। कमला चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आज़ादी के बाद इन्हें वर्ष 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्रामीण इलाकों में इन्होंने घूम घूम कर एक पारखी की तरह हस्तशिल्प और हथकरघा कलाओं का संग्रह किया। इन्होंने देश के बुनकरों के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया उसका असर यह था कि जब ये गांव में जाती थी तो हस्तशिल्पी बुनकर जुलाहे सुनार अपने सिर से पगड़ी उतारकर इनके कदमों में रख देते थे। इसी समुदाय ने इनके अथक और निस्वार्थ माँ के सम्मान सेवा की भावना से प्रेरित होकर इनको हथकरघा माँ का नाम दिया था। देश के प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक संस्थानों की स्थापना में योगदान। भारत में आज अनेक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान इनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे के परिणाम हैं, जिनमें प्रमुख है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने हस्तशिल्प और कोऑपरेटिव आंदोलनों को बढ़ावा देकर भारतीय जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में अपना योगदान दिया। हालांकि इन कार्यों को करते समय इन्हें आज़ादी से पहले और बाद में सरकार से भी संघर्ष करना पड़ा। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें। इन्होंने द अवेकिंग ऑफ इंडियन वोमेन वर्ष 1939, जापान इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ वर्ष 1943, अंकल सैम एम्पायर वर्ष 1944, इन वार टॉर्न चाइना वर्ष 1944 और टूवर्ड्स ए नेशनल थिएटर नामक पुस्तकें भी लिखी जो बहुत चर्चित रहीं। पुरस्कार एवं सम्मान। समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1955 में सम्मानित किया। वर्ष 1987 में भारत सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 1966 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी की द्वारा फेलोशिप और रत्न सदस्य से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही वर्ष 1974 में इन्हें
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यूनेस्को ने इन्हें वर्ष 1977 में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया था। शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान दे सिकोट्टम से सम्मानित किया। निधन, वर्ष 19 अक्टूबर 1988 में वह स्वर्गवासी हो गई।